नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2019। जो आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के पर्सन बनते हैं वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि इसमें मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित पर्सन आपको इन्हीं वीडियो में से देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों किसी भी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं राजस्थान जी के, इंडिया जी के और GS के पर्सन भी मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 7 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 6 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 8 अक्टूबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत, तो भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। और इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ए ऑप्शन है सुनील अरोरा, बी ऑप्शन है प्रणव मिश्रा, सी ऑप्शन है रमेश पांडे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ऑप्शन, यानी कि रमेश पांडे। रमेश पांडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विश्व कपास दिवस समारोह की मेजबानी किसने की है? हाल ही में पहले विश्व कपास दिवस समारोह की मेजबानी किसने की है? ए ऑप्शन है काठमांडू, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस और डी ऑप्शन है जिनेवा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि जिनेवा। जिनेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की है। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। और जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में। और दोस्तों कपास दिवस से संबंधित प्रश्न, तो कपास कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है? तो वो होता है काली मिट्टी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल
निशंक ने IIM कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी है? हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIM कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी है? ए ऑप्शन है रोहतक, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है अमृतसर और डी क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अमृतसर। अमृतसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अमृतसर कहाँ स्थित है? पंजाब में है। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और रोहतक कहाँ है? हरियाणा में। रोहतक हरियाणा में, तो हरियाणा की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। तो पंजाब की कैपिटल हो गई चंडीगढ़, और पंजाब के सीएम कौन हो जाएंगे? अमरिंदर सिंह हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नींद की बीमारी पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में नींद की बीमारी पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए ऑप्शन है रायपुर, बी ऑप्शन है नागपुर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि नागपुर। नागपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब रायपुर आया, तो रायपुर किसकी कैपिटल है? छत्तीसगढ़ की। और रायपुर का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मुंबई महाराष्ट्र की क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांस फैट फ्री लोगो किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ट्रांस फैट फ्री लोगो किसने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बी ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है केन्या, सी ऑप्शन है मंगोलिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि केन्या। केन्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर जापान आया था, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। नेक्स्ट है केन्या, तो केन्या की कैपिटल क्या हो जाएगी? नैरोबी हो जाएगी। मंगोलिया, तो मंगोलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? उलन बातोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने आशा भोंसले को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने आशा भोंसले को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? ए ऑप्शन है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है साल्फोर्ड यूनिवर्सिटी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि साल्फोर्ड यूनिवर्सिटी। साल्फोर्ड यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने वीर कुट्टम रैली का आयोजन कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने वीर कुट्टम रैली का आयोजन कहाँ किया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल है दो, एक तो जम्मू और एक श्रीनगर। जम्मू तो है ग्रीष्मकालीन कैपिटल और श्रीनगर है, श्रीनगर तो है ग्रीष्मकालीन कैपिटल और जम्मू है शीतकालीन कैपिटल। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो महिला इंडिया ओपन खिताब किसने जीता है? हाल ही में हीरो महिला इंडिया ओपन खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है नोआमी ओसाका, बी ऑप्शन है एसले बाल्टी, सी ऑप्शन है क्रिस्टिन वॉल्फ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि नोआमी ओसाका। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्रिस्टिन वॉल्फ। क्रिस्टिन वॉल्फ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2019 कितने व्यक्तियों को मिला है? हाल ही में चिकित्सा का नोबेल 2019 कितने व्यक्तियों को मिला है? ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है दो, बी ऑप्शन है तीन, सी ऑप्शन है दो और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तीन, तीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कल आपको आपके लिए दिया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना था। प्रश्न है, हाल ही में विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 4 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 3 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 5 अक्टूबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अंतिम दो क्वेश्चन है, मैं आपको रिवीजन के लिए देता हूँ, जिससे कि आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। तो आप इनका आंसर कमेंट के माध्यम से दिया करो। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ओपन खिताब किसने जीता है? हाल ही में जापान ओपन खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन है जॉन मिलमेन, सी ऑप्शन है राफेल नडाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से संबंधित पर्सन। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि इसमें मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपको आने वाले प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित इन्हीं वीडियो में से करंट अफेयर के पर्सन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, किसी भी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है,
ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं राजस्थान जी के, इंडिया जी के और जीएस के पर्सन में मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो को भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।